अरे भाई, मैं हूँ नवीन मालविया। और आज काफ़ी दो चार दिन हो गए भाई, रॉयल इनफील्ड ने अपनी स्टैंडर्ड बाइक जो थी सबसे फेमस उसको लॉन्च कर दी है। काफ़ी अच्छी जो इसके लुक है और फीचर से भरपूर, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं वाली गाड़ी आज इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। सबसे ज़्यादा फेमस भी थी, एक प्रकार से स्टैंडर्ड का नाम चलता था। बुलेट में जो पुरानी चीज़ें थी ना, पुरानी बुलेट थी, करीबन 90 साल हो चुके हैं इस बाइक को, तो वो चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रॉयल इनफील्ड ने बरकरार रखने की कोशिश करी है, तो उसके बारे में भी बताऊँगा और क्या क्या फीचर्स अपडेट हुए हैं और कंपैरिजन वगैरह भी अगर आप देखना चाहो तो कंपैरिजन वगैरह भी मेरे इस चैनल पे देख सकते हो भाई। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इसके, आप सब्सक्राइब करते हो तो। सबसे पहले सामने से ही बात करूँ तो हेलोजन में आपको हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा और दो पार्किंग लाइट आपको, वो भी हेलोजन में ही और पीले लाइट के साथ में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा लुक सामने की तरफ से आपको देखने को मिलता है, पूरा मैट फिनिश में ये वाली गाड़ी आती है। लेकिन एक बात कह दूँ कि ये, जैसे कि आप सभी के मन में चल रहा होगा कि बेस मॉडल एक आधी मॉडल आता होगा जैसे पहले आया करता था, वैसा नहीं है। अभी इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट भी आ चुके हैं और कलर भी काफ़ी सारे आपके हिसाब से ले सकते हो। अगर सामने की बात करो तो दोनों ही हैजार्ड लाइट भी, इसमें फीचर्स आ चुका है, फीचर्स में हैजार्ड लाइट भी आ चुके हैं जिसमें चारों ही इंडिकेटर अपने जलेंगे। हेलोजन में इसका सामने का हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है, सस्पेंशन सेटअप देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोगों की ऐसी चॉइस है, ये क्लासिक के टाइप दिखती है, वैसा भी है। 173,000 एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है इसका बेसिक मॉडल। वैसा C8 के टायर के साथ में आती है। टायर साइज की बात करूँ तो 100x90 सेक्शन के टायर विथ 19 इंचेस स्टील रिम के साथ में, स्टील रिम आ रही है तो ये तो पक्का है कि भाई ट्यूब भी इसमें साथ में लगा होगा। तो ट्यूबलेस टायर इसमें अवेलेबल नहीं है। वैसे हजार्ड लाइट काफ़ी अच्छे जलते हुए दिखते हैं। सिंगल हॉर्न के साथ में आती है भाई ये। और इसके इंजन की बात करूँ तो BS6 फेज 2 आ चुका है इसमें, जो कि काफ़ी बढ़िया इंजन आज की स्थिति में सबसे रिफाइंड इंजन भी है। और अभी BS6 फेज 2 भी चल रहा है। तो इसके पावर की बात करूँ तो 20 BHP की पावर और 27 Nm 27 Nm टॉर्क के साथ में इंजन आता है। 300 cc में बाइक आती है भाई। और इसके जो टैंक पे लिखा आता था वो, रॉयल इनफील्ड की जो स्टैंडर्ड थी 350, उसको बरकरार रखने के लिए ये रॉयल इनफील्ड ने अभी भी रखा है। और ये जो काम दिख रहा है ये सब हाथों वाला काम है जो पहले भी किया जाता था। बाजू की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का इसका लुक आता है भाई। ओवरऑल पहले कुछ क्रोम में भी उपयोग होती थी, क्रोम का उपयोग होता था, वैसे अभी थोड़ा कम कर दिया गया है। जैसे मडगार्ड भी आपको मैट में भी मिलेगा, काफ़ी आपको काफ़ी कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं इसमें, 5-6 कलर ऑप्शन। और अब बात कर लेते हैं बाजू की साइड लुक की, तो साइड में भी आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है। सिंगल सीट के साथ में आती है, पहले भी सिंगल सीट में ही आती थी लेकिन डुअल चेचेस में आती है। इसकी सीट की जो चौड़ाई है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जिससे कि आपको कंफर्ट भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप लॉन्ग राइड करते हो हाईवे वगैरह पर तो इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा प्लास्टिक का एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बुलेट 350 की बेजिंग आपको इसके टूल किट बॉक्स पे देखने को मिलेगी। और कुछ इस टाइप का इसका लुक है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी आती है भाई। और काफ़ी दिनों से बात करते हैं, सीट की बात कर रहा था अभी तक, तो मैं सीट काफ़ी अच्छी कंफर्ट है, कंफर्टेबल सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। पीछे की बात करूँ रियर की तो थोड़ा सा मैट में ही आपको इसका मटघाट देखने को मिलेगा। वैसे इसका बेसिक मॉडल यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं है, नहीं तो अगर वो भी होता तो उसके बारे में भी बताता और थोड़ा सा कंपैरिजन भी जल्दी से आपको देखने को मिलने वाला है एक दो दिन में। यहाँ पर साड़ी गार्ड वगैरह कंपनी की तरफ से मैंडेटरी करा गया है भाई। यहाँ पर आपको चेनेस पॉकेट वगैरह फाइवर में ही देखने को मिलेगा। टायर साइज की बात करूँ तो C8 का टायर देखने को मिल जाता है। पिछला 120x80 सेक्शन के टायर विथ 18 इंचेस स्टील रिम के साथ में आती है। इसमें ट्यूब लगाना होगा, ट्यूबलेस टायर इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। बाजू से कुछ इस टाइप का इसका लुक है भाई। और यहाँ पर नंबर प्लेट एरिया वगैरह देखने को मिल जाते हैं। दोनों इंडिकेटर पहले वाइट कलर के आ करते थे लेकिन अभी इसमें ऑरेंज कलर में कर दिए गए हैं। पीछे लाइट पूरा क्लासिक वाला देखने को मिलता है, आप देख सकते हो क्लासिक भी खड़ी हुई है यहाँ पर। उसका भी अगर आप देखना चाहो कंपेरिजन तो मेरे चैनल पर देख सकते हो।
बाजू से कुछ इस टाइप का लुक है भाई, साइलेंसर वगैरह इसमें मैट में ही देखने को मिलेगा। इसकी साउंड वगैरह भी मैं डाल दूंगा चैनल पे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। डुअल चैनल ABS डुअल डिस्क के साथ में ये वाली गाड़ी आती है। दोनों ही साइड में आपको बुलेट 350 की बैजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हाथों वाला काम कंपनी के द्वारा किया गया है टूल किट बॉक्स पे, और कुछ इस टाइप का इसका ओवरऑल लुक है, है ना। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलेगी, और जो पेट्रोल जल्दी मतलब आने वाला है E20 वो इसमें यूज़ आप कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें क्लासिक वाली गाड़ी ने दी है, मतलब रॉयल एनफील्ड ने दी है, उसको गिनवाता हूँ मैं। सबसे पहले चाबी ऑन करते हैं भाई। जैसे जो क्लासिक में अभी मीटर आ रहा था डिजिटल मीटर के साथ में, वही वाला मीटर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जैसे फ्यूल गेज वगैरह आप यहाँ पर डलवा सकते हो, डलवाना हो तो वाला मीटर, या फिर टाइमिंग वाला मीटर जो भी आते हैं मीटर मार्केट में, जल्द ही जैसे अभी से ही अवेलेबल होंगे खैर आफ्टर मार्केट, तो वहाँ से आप डलवा सकते हो, या फिर यहाँ से भी अगर शोरूम से डलवाना चाहो तो अपडेट आ जाए तो उसके बाद डलवा सकते हो। इसमें आपको 160 तक की स्पीड देखने को मिल जाती है, RPM मीटर इसमें देखने को नहीं मिलता। ट्रिप वगैरह ट्रिप इको मतलब जिसमें आपकी गाड़ी चल रही है, इको या स्पोर्ट वगैरह है ना, उसके ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कितनी आपकी गाड़ी चल चुकी है, ट्रिप है, ट्रिप भी वगैरह देखने को मिल जाएंगे ना, फ्यूल गेज वगैरह देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। वैसे पहले इसमें सेल्फ स्टार्ट देखने को नहीं मिला करता था, लेकिन अभी आपको हैजार्ड लाइट के स्विच भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और सेल्फ वाला ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साइड ग्लास की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का है भाई, इसमें कोई भी क्रोम वाला काम नहीं किया गया है। वैसे इसमें जो केप है वो भी कंपनी की तरफ से ही आता है टॉप एंड वेरिएंट में। इसमें दोनों ही टाइप आपको दोनों ही तरफ रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा, और डिस्क वगैरह दोनों ही सिंगल चैनल में, जो बेसिक मॉडल है वो सिंगल चैनल में आता है। वैसे जो टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ उसमें टॉप वेरिएंट है, तो इसमें डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क के साथ में गाड़ी आती है। वैसे जो इसका हेडलाइट है वो भी हेलोजन में ही आता है। अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल और हैंडल कंसोल की। तो मीटर के बारे में तो बता चुका हूँ, अब हैंडल के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर आपको मीटर की जो जानकारी है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर छोटा सा बटन दिया गया है, इसके द्वारा आप चेंज कर सकते हो। USB पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये USB पोर्ट जिससे कि आप गाड़ी वगैरह चार्ज अपनी मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो उसके द्वारा गाड़ी से। और यहाँ पर आपको अपर डिपर के स्विच वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर स्विच, नीचे हॉर्न सिंगल हॉर्न ही आपको इसमें देखने को मिलेगा, डुअल हॉर्न वाला सिस्टम आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। दो चाबी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इंजन कट ऑफ बटन और हजार्ड लाइट का स्विच। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में गाड़ी आती है, काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ ग्रे बंडल वगैरह भी दिया गया है, और यहाँ बैकरेस्ट के लिए भी दिया गया है भाई। तो जो ओवरऑल मेरे को गाड़ी की बात करूँ मैं कैसी लगी, तो भाई मेरे हिसाब से तो आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। काफ़ी मतलब जो फीचर्स दिए गए हैं वो फीचर्स इतने होने चाहिए थे, जो कि इसमें भरपूर है भाई। यहाँ पर आपको क्रोम में ही जो सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा, पीछे इसके इंडिकेटर पे भी क्रोम देखने को मिलेगा, रॉयल एनफील्ड की बेजिंग पीछे साइड में देखने को मिलेगी, मैट में ही आपका मडगार्ड देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा एरिया है वो आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा ग्लॉसी में, और थोड़ा सा एरिया क्रोम में, और पीछे आपका लाइट। तो ये कुछ था इसका सिस्टम, काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं और बेसिक मॉडल भी आने वाले, तो उसकी जानकारी भी दूंगा। मेरे चैनल पे आप बने रहे, कंपैरिजन वगैरह भी दिखाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।